मसाला राइस, चिकन लेग पीस, यूनिकॉर्न कैंडी शेक। अरे यार मेन पॉइंट पे आइए ना, यूनिकॉर्न कैंडी शेक पीते हुए किसी ने नहीं देखना आपको, जो जो आपका टैलेंट है आप सीधा मुद्दे पे आइए। ठीक है ठीक है। ऑमलेट सैंडविच। अरे ऑमलेट सैंडविच नहीं ना अंकल, सीधा आओ ना। हाँ हाँ आ गया। चिकन लेग पीस। मसाला राइस। तुम लोग सोच रहे होगे क्या कर रहा है भाई। मैंने देखा है कि आजकल पॉपुलैरिटी पाने के लिए मेहनत करनी नहीं पड़ती। एक टाइम था जब लिरिक्स होते थे मेहनत कर तू पसीना बहा, और आज चिकन लेग पीस, 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 चिकन लेग पीस। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? एंड में चिकन लेग पीस, और 2.5 मिलियन लोग इतने वेले हैं, नहीं मतलब देश में बेरोजगारी तुम सोचो कितनी बढ़ चुकी है कि 2.5 मिलियन लोग इन अंकल जी को सिर्फ चिकन लेग पीस खाते हुए बस देख रहे हैं। ओ भाई, ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस। बात है कल शाम की, यूं ही मैं इंस्टाग्राम पे बैठ के वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, तभी अचानक मेरे को ये जोकर फेस बनाने वाले किसी बंदे की वीडियो मिली। अब वीडियो देख के पहले पहले तो मेरे को लगा कि भाई बंदे ने एक्चुअली में क्या सही स्केरी फेस बनाया, एकदम जोकर जैसा फेस बनाया, डरावना लग रहा है काफी, तो सही है यार। लेकिन फिर इसकी मैंने थोड़ी सी वीडियोस और देखनी शुरू करी एंड आई रियलाइज, वो अभी तुम्हें पता चलेगा व्हाट आई रियलाइज, तुम भी देखो। वीडियो में लॉजिक वॉजिक कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, सिर्फ भाई कुछ भी हो जोकर वाला फेस बनाना है बिना बात के, या ताली मारी और या बन गया जोकर वाला फेस। मैं जोकर बन गया। मतलब ओके, मे बी अगली वीडियो में शायद कुछ अलग करेगा, अगली देखते हैं। अपने को ये सब की जरूरत ही नहीं है, सोने को इनके पास करवा डिश नहीं है, अगली में पक्का कुछ डिफरेंट करेगा। तो डेफिनेटली कुछ डिफरेंट है, फेस बनाने के अलावा कुछ तो करेगा। अज पैरां च पाके गुच्ची शुच्ची किथे चले हो, कदी काले शीशियां वाली ते उत्तों तुसी कल्ले हो। अरे भैया तुम्हें कब्ज है क्या? भाई एक सेकंड, मेरे को बताओ ये कब्जी वाला जो ये फेस बनाया इसने, अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मुझे बस एक बात बता, लॉजिक क्या था? तू अच्छा खासा झूले पे झूल रहा है, रोमांटिक सॉन्ग चल रहा है और एकदम से क्या था भाई? मतलब अगर सिर्फ ऐसे वाला फेस बना के ये इस टैलेंट के दम पे अगर 4 मिलियन फॉलोअर्स बनाए जा सकते, तो मेरे पास भी काफी अजीब अजीब से टैलेंट है, जैसे कि मैं अपनी नाक छू सकता हूं अपनी जीभ से, बिना हाथ का इस्तेमाल किए मैंने नाक छू दी, अब मैं हर वीडियो में यही करेगा। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, इस एक टैलेंट के दम पे तुम्हें मेरे को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। भाई मैं अगली वीडियो में वो पक्का कुछ और करेगा, वेट करो। मैं भी किसी से कम नहीं, बंद करो हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। हाँ भाई मैंने मान लिया तेरे पास एक वो स्केरी वाला जोकर फेस बनाने का हुनर है,
मैं नहीं बना सकता, तू बना सकता है, तेरे पास डेफिनेटली टैलेंट है, आई एम टैलेंटलेस। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना बिना किसी बात के, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी सिचुएशन को देखे बस तू हर जगह पे इमोशनल सीन हो, कॉमेडी सीन हो, रोमांटिक सीन हो, फाइट सीन हो, ड्रामेटिक सीन हो और खाने वाला सीन हो तो चिकन लेग पीस। एंड नाउ तुमने बवासीर के बारे में एक बहुत फेमस कहावत तो सुनी होगी, बवासीर एक आम समस्या है। तो बस फिर ये बवासीर जैसी बीमारी जिसका निजात इस इजाद इस बंदे ने करा, ये करता है तो चलो फिर भी ठीक लगता है कि लगता है यार एक फनी फेस बना रहा है या फिर एक स्केरी फेस बना रहा है, लोग एंटरटेन हो रहे हैं, ओके। लेकिन अब जब ये बवासीर जैसी बीमारी सब में फैल गई है और सारे करके फेस बनाने शुरू हो गया ना, अरे 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 बेचारी को मिर्गी का दौरा पड़ गया, कोई चप्पल सुंघा रहे अरे यार छोटू रहने दे मेरे भाई, रहने दे, तुमसे ना हो पाएगा। जोकर फेस कम लग रहा है, ऐसा लग रहा है दो दिन से बेचारे के पेट में पोटी फंसी हुई है, वो नहीं निकल रही है। ये तो टट्टी है, बालों में झाड़ू। अबे ये क्या हो रहा है यार, ये कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हे जोकर, हे जोकर, जोकर जोकर, हे ओले ले 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 ले, लॉलीपॉप खाने वाली उमल में ये देखो ये बच्चे क्या कर ले हैं। इन लोगों की ऐसी हरकतें देख के ना इनके माँ बाप को और एक्चुअली सभी के माँ बाप को मेरे को बस एक ही चीज बोलनी है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं, ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है, इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाइए जरूर। तो जिम्मेदार माँ बाप बनिए, आज ही अपने बच्चे को नजदीकी पोलियो केंद्र में लेके जाइए और उनका पोलियोकरण कराइए ताकि आपके बच्चे ऐसे भयंकर पोलियो की बीमारी से सुरक्षित रह सके। #goodmessage, इसी बात पे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, एंड तब तक के लिए चिकन लेग पीस।